हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, आप अगर मिड टर्म के क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं 2023-24 के, तो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और जो डाउनलोड नहीं हो पा रहे वो कैसे देख सकते हैं, उसी के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप जितने भी क्लासेस के हैं जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, उन सब के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं आपको डीओ की ऑफिशियल साइट पर लेकर जाऊँगा और अपने चैनल पर भी लेके जाऊंगा, जिसमें आप बहुत से बेनिफिट जो है ले पाएंगे। तो उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सभी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो भी न्यू व्यूअर्स हैं। मैं स्कूल के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ, आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तो सबसे पहले आप गूगल पर आइए, आप डीओ लिखिए। डीओ लिखने के बाद आप उसे सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आपको डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन पर आना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन पर आना है, ठीक है। आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको एग्जामिनेशन मटेरियल पर आना है। जब आप इस पर आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। आप पूरी वीडियो देखिएगा, मैं इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि बच्चे पूरी वीडियो देखते नहीं तो बाद में दिक्कत होती है। तो आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आराम से मिल जाएंगे। आप यहाँ पर 2020 के देख सकते हैं, 19 के देख सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे आपको बहुत से जो है पुराने पेपर मिल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं 2022-23 के, पुराने हैं, अभी नए जो है अभी इश्यू नहीं हुए, ये सारे देख सकते हैं। अब मिड टर्म के जो क्वेश्चन पेपर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कैसे देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान सुनिए। आपको सबसे पहले ना यूट्यूब पर आना है। आप यूट्यूब पर एएससी स्टार्टर सर्च करेंगे, ठीक है, ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस चैनल के अंदर जाएंगे। इस चैनल के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस जो है मिल जाएंगी, जो सैम्पल पेपर के रिगार्डिंग होगी, मिड टर्म के क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग होगी, और भी बहुत कुछ, ठीक है। 2-3 साल के जो भी है पेपर आपको यहाँ मिल जाएंगे। और अगर जैसे कोई प्लेलिस्ट आपको नहीं मिलती तो आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पर किसी भी सब्जेक्ट को लिखना है। जैसे आपको कोई सब्जेक्ट देखना है तो आप एएससी स्टार्टर लिखिए, ठीक है। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखिए, आप कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं। क्लास लिखिए, जैसे हम 10th ले लेते हैं, ठीक है। फिर मिड टर्म लिख दिए, मिड टर्म का देखना है तो आपको, ठीक है, मेन टर्म नहीं है, मिड टर्म देख लेना, सही स्पेलिंग लिखना। फिर सर्च बटन पे जाना, आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियोस आ गई हैं, फिर आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।